नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह से नाश्ता आप बच्चों को बना करके देंगे तो बिल्कुल खाली करके आएंगे टिफिन। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है इस चिल्ली को और बनाने के लिए क्या क्या लेना है। ये देखिए, ये मूंग दाल है और ये इसका नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है ये मूंग दाल, और ये घर का मूंग दाल है, पॉलिश वाली नहीं है। मार्केट से आप खरीदते हैं तो पॉलिश वाली दाल मिलता है। तो इसे ओवरनाइट सोक कर देंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे एक दो पानी से, उसके बाद ओवरनाइट सोक कर देंगे। आपके घर कितने लोग हैं उस हिसाब से बनाइएगा। मैंने इस वाली कटोरी से 3 कटोरी डाला था फूलने के लिए। देखिए इस तरह से फूल गया है, ओवरनाइट सोक हो गया अच्छी तरह से। अब इसे धो देंगे एक दो पानी से। ये देखिए मूंग दाल धुल गए अच्छे से। अब इनको पीस लेंगे। दाल को पीस करके तैयार कर लिया है, देखिए इस तरह से पीस गए हैं ये मूंग की दाल, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फाइन पिसा हुआ है। हल्का सा दरदरा सा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और ये देखिए यहाँ पर 2 मीडियम आकार के प्याज को चॉप कर लिया है, और यहाँ पर 2 से 3 जितना आप तीखा खाते हैं हरी मिर्च ले लिया है, और अदरक है 1/2 इंच का टुकड़ा, और लहसुन है 6-7 कलियाँ। यदि आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिया है धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लिया अच्छे से धोने के बाद, और इसे भी डाल देंगे। सर्दियों में जितनी सब्जियाँ डालनी हैं डाल सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से गाजर कुछ भी डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लंच में बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है ये नाश्ता और पसंद भी आते हैं बच्चों को। जो लोग आमलेट खाना पसंद करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं ये वाली नाश्ता। इन सब को डालने के बाद कुछ डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक के बाद डालेंगे स्वादानुसार काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और जितना तीखा खाते हैं आप तो हरी मिर्च मैंने डाला है इसलिए लाल मिर्च पाउडर बहुत ही थोड़ा सा 1/4 चम्मच डालेंगे ताकि अच्छा सा चटपटा बने। अब इन सबको कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब गैस ऑन करके पैन को गरम करेंगे। यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने ले लिया है पैन, उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल, और तेल गरम हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगी, जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से डाल दीजिएगा। इस तरह से पतले से फैला देंगे। ये देखिए पलटने के लिए तैयार हो गया है, अब इसे पलट देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, अब दूसरे तरफ से भी सीख जाएगा तो दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सीख करके तैयार हो गया, आपको पास से दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। इसी तरह से दूसरा भी डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं इसे, आप इस तरह से फैला सकते हैं, आसानी से फैल जाता है और बहुत ही कम तेल लगता है। मैंने दोबारा बिल्कुल तेल नहीं डाला है,
बहुत कम तेल में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। ये देखिए दूसरा भी तैयार हो गया है। अब इसी तरह से सारे चीला बना लेंगे। ये देखिए बच्चों का बहुत ही पसंदीदा चीला तैयार है, बहुत ही हेल्दी होता है। आप इस तरह से बच्चों को लंच में बना करके देंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।